जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी, जय माँ अम्बा देवी। अगर आप काम बीज रूपनी कामाख्या माता, ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी माता जी की दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आपको माँ कामाख्या देवी के, माँ बगलामुखी माता जी के ऐसे दिव्य और गुप्त पीठ में आना होगा, ऐसे चमत्कारी शक्तिपीठ में आना होगा जहाँ पर होगी गुप्त गुफाएं, जहाँ पर ऋषि मुनि संत महात्मा भी पत्थरों का रूप लेकर माँ के दरबार की शोभा बनाए रखे हैं। ऐसा ही एक दरबार है मध्य प्रदेश की पावन धरा बैतूल जिले के सतपुड़ा के घने जंगलों में अम्बा माई का परम पवित्र पावन और शक्तिपीठ है और यहाँ माँ कामाख्या देवी अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है, माँ बगलामुखी माता अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है। मैं आप सभी को महाकाली माता जी के दर्शन कराऊंगा और इस गुफा की ओर मेरे साथ आप भी आइए। ये गुफा है माँ अम्बा भवानी दरबार की, यहाँ साक्षात माँ जगदम्ब विराजमान है, माँ कामाख्या विराजमान है। ये पत्थर आप प्राकृतिक रूप से बनी वाली ये गुफाएं हैं, ये बहुत ऊपर तक गुफाएं जाती है, ये और लंबी लंबी गुफाएं जाती है और ये आप सभी के समक्ष माँ सेरा वाली पहाड़ा वाली महाकाली माता जी का दिव्य दरबार। आप सभी देख रहे हो माता रानी ने दुष्टों के गर्दन को पकड़ के रखा हुआ है, एक हाथ में माँ के त्रिशूल है, एक में देख सकते हो यह महाकाली का बड़ा ही दिव्य दरबार है। ऐसी गुप्त गुफा में आकर अगर आप गुरु परंपरा से, दिव्य संत की परंपरा से अगर माँ कामाख्या देवी, माँ बगलामुखी माता जी की दिव्य आराधना करोगे, साधना करोगे तो 100% आपको माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी। इसी दरबार से मुझे शक्ति प्राप्त हुई, इसी दरबार से मुझे भक्ति प्राप्त हुई और इसी दरबार से मुझे माँ की प्राप्ति हुई। आज अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूँ और ये गुफा आगे भी जाती है महाकाली माता जी के पास, ये अन्नपूर्णा माता जी की ओर गुफा जाती है। ये बहुत ही चमत्कारी दरबार है, ये माता दरबार है, बहुत ही प्यारा दरबार है, ऐसा भारत में दरबार आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह पहाड़ा वाली माँ है, ज्योता वाली माँ है, सिरा वाली माँ है, जगत जननी माँ है। यह तो ऋषि मुनि महात्मा भी आज पत्थरों का, चमगादड़ों का रूप धारण करके माँ के दरबार में भक्ति कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। तो यह बहुत ही दिव्य और चमत्कारी दरबार, यहाँ जल रही अखंड ज्योत, ये अखंड ज्योत आप सभी देख सकते हैं, माँ अन्नपूर्णा माता जी के दरबार की अखंड ज्योत है, बहुत ही चमत्कारी दरबार है। इस दरबार के बारे में आप जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे उतना ही कम है, क्योंकि यह प्राकृतिक दरबार है, यह दिव्य दरबार है। यहाँ से ऊपर से गुफाएं कहाँ निकलती है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, यहाँ से चौरागढ़ पचमढ़ी तक गुफाएं जाती है, बहुत ही चमत्कारी दरबार है। एक बार सिर्फ आके देख लो इस माँ के दरबार को और यहाँ थोड़ा सा माँ का भजन कीर्तन और माँ की साधना कर लो, आपके जीवन में आपको अनगिनत सफलता प्राप्त होगी माँ भगवती की। और आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ गुफा के मार्ग बंद किए हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और बहुत सारे भक्त लोग आते हैं तो उन्हें बड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।